दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किन्नर भी शादी करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन्नर शादी की पहली रात क्या करते हैं, किन्नरों की सुहागरात कैसे होती है, किसी की शादी हो या बच्चा पैदा हो, ये लोगों के घरों में क्यों जाते हैं, किन्नरों से बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, और क्या आप जानते हैं कि किन्नरों की डेड बॉडी को जूते और चप्पलों से क्यों पीटा जाता है। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको किन्नरों से जुड़ी तमाम जानकारी मालूम हो जाए। दोस्तों जब किसी घर में कोई खुशी का त्यौहार हो तो इस मौके पर किन्नर जरूर आते हैं। शादी का त्यौहार हो या फिर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो किन्नर इस घर में डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस बहाने वो मोटी रकम कमा कर ले जाते हैं। बहुत से लोग किन्नरों की मांग को पूरा करते हैं, और कई लोग किन्नरों को कुछ दिए बगैर उन्हें घर से भगा देते हैं। किन्नरों की मौत के पीछे बहुत सी बातें की जाती हैं कि जब किन्नर मर जाते हैं तो इनका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई बाहर का आदमी ना देख सके। अगर इस किन्नर को किसी ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा होता है, और अगर किसी इंसान ने मरे हुए किन्नर को छुपकर देख लिया तो इस इंसान के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं होता। आपको बता दें कि किन्नरों की शव यात्रा से पहले उनके जिस्म को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर मरे हुए किन्नर के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वो दोबारा किन्नर पैदा ना हो। इसके बाद सभी किन्नर जमा होकर मरे हुए किन्नर की डेड बॉडी के सामने जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर मौत तक दुखों से भरी होती है, इसलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर नाच गाना करके खुशी मनाते हैं। दोस्तों एक किन्नर की मौत के बाद बरादरी के दूसरे किन्नर एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं, और वे इस दौरान सिर्फ पानी ही पीकर गुजारा करते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों की बददुआ और दुआ दोनों ही असरदार होती है, इसलिए किन्नरों की बददुआ से बचना चाहिए, क्योंकि किन्नरों की बददुआ किसी भी इंसान की जिंदगी को नरक बना सकती है, और किन्नरों की दुआ किसी भी बुरे समय को खुशी में बदल सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इनकी जिंदगी शुरू से ही दुखों से भरी होती है, इसलिए दुखी दिल की दुआ और बददुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि अगर किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों किन्नर की पहचान दो तरीकों से होती है। नर और मादा किन्नर की पहचान उनके प्राइवेट पार्ट से होती है। नर किन्नर का प्राइवेट पार्ट आकार में बहुत ही छोटा होता है, जबकि मादा किन्नर की पहचान भी उसके प्राइवेट पार्ट से होती है। नर की तरह मादा किन्नर के प्राइवेट पार्ट का साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। किन्नर के प्राइवेट पार्ट्स को सेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि कई किन्नर आजकल सर्जरी करवाकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को आकार में थोड़ा बड़ा करवा लेते हैं। दोस्तों माना जाता है कि किन्नर बनने की दो वजूहत होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक किन्नर बनने की पहली वजह, अगर माँ के पेट में बच्चा 3 महीनों तक नॉर्मल बच्चे की तरह रहे, या अगर बच्चे की माँ किसी बीमारी से गुजर रही हो और वो अपने आप को ठीक रखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करती है, तो इस सूरत में बच्चे की माँ के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से बच्चे की परवरिश पूरी तरह से नहीं हो पाती और वो बच्चा किन्नर पैदा होता है। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि किन्नर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए बहुत से किन्नर बच्चों को चुरा कर उनकी सर्जरी करवा देते हैं, और फिर ऐसे बच्चे को समाज में किन्नरों के हवाले किया जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई लड़का ज्यादा पैसा कमाना चाहता हो तो किन्नर इस लड़के को अपने समाज में शामिल करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, फिर वो लड़का लड़का नहीं रहता और मजबूरी में पूरी जिंदगी के लिए किन्नर बन जाता है। आपको बता दें कि जब भी कोई इंसान किन्नरों के समाज से जुड़ता है तो उसके स्वागत में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ किन्नर नाच गाना करके खूब मौज मस्ती करते हैं। किन्नरों को कंट्रोल करने के लिए एक खास किस्म का गुरु होता है। इस गुरु के सामने किसी भी किन्नर की जुबान नहीं चलती। ये गुरु जो कहता है किन्नर चुपचाप इसकी बात सुनते हैं और इस बात पर अमल भी करते हैं। आपको बता दें कि किन्नर सिर्फ इस शख्स को अपना गुरु बनाते हैं जो पैदाइश से ही किन्नर होता है। किन्नरों को लेकर हमेशा हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि आखिर किन्नर सेक्स कैसे करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किन्नर अपनी शादी सिर्फ एक रात के लिए अपने देवता से करते हैं, और वो नॉर्मल इंसानों की तरह सेक्स नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस आपको मिलती रहें।